तमिलनाडु के चेन्नई के पास मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई। 11 अक्टूबर की रात की यह घटना है। 8:30 बज रहे थे। हादसे में 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। एक कोच और पर्सनल वैन में आग लग गई। हादसे में 19 लोग घायल हैं। ट्रेन में 1000 से भी ज्यादा पैसेंजर सवार थे। साउथ रेलवे के मुताबिक हादसा चेन्नई से 41 किलोमीटर दूर कावराईपट्टई रेलवे स्टेशन के पास हुआ। इस दौरान बागमती एक्सप्रेस की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी। रेलवे ने बताया कि रात 8:27 पर पोनेरी स्टेशन क्रॉस करने के ठीक बाद बागमती एक्सप्रेस को मेन लाइन पर चलने का ग्रीन सिग्नल मिला था। कावराईपट्टी रेलवे स्टेशन में पहुंचने से ठीक पहले लोको पायलट और ट्रेन क्रू को जोर से झटका लगा था। झटके के ठीक बाद ट्रेन मैन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई। यहां पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी। बागमती एक्सप्रेस इससे टकरा गई। रेलवे जांच कर रहा है कि ट्रेन लूप लाइन पर कैसे चली गई। आखिर ऐसी क्या दिक्कतें यहां पर थी मेन लाइन में जिसकी वजह से वो लूप लाइन में चली गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि सरकार तेजी से राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। घटनास्थल पर मौजूद यात्रियों की मदद और उनके आगे की यात्रा के लिए एक अलग टीम बनाई गई है। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हमने व्यक्तिगत रूप से उन यात्रियों से मुलाकात की है जो ट्रेन दुर्घटना में घायल हुए थे। सभी का स्टेनली अस्पताल में इलाज चल रहा है। जितने भी घायल हैं उनके बारे में उनका हाल जान रहे हैं मुख्यमंत्री। हमने डीन से भी घायलों की जानकारी के बारे में पूछा। हमने तिरुवल्लूर के जिला कलेक्टर से घटनास्थल पर मौजूद यात्रियों का एकोमोडेशन को लेकर भी जानकारी ले ली है। बता दें कि बीते दिनों कानपुर में लगातार दूसरी बार ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। अनवर कासगंज रूट पर रविवार देर शाम कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे सिलेंडर से टकरा गई थी। सिलेंडर फटा नहीं और ट्रेन से टकराकर ट्रैक के किनारे जाकर गिर गया। ट्रेन के लोको पायलट ने तुरंत सीनियर ऑफिसर को इसकी सूचना दी। घटना के ठीक बाद आरपीएफ जीआरपी और रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स ने जांच की। इसके अलावा देश के 3 राज्यों में ट्रेन पलटने की साजिश की गई है। आपको याद हो अगर तीनों ही जगहों पर ही लोको पायलट ने साजिश को नाकाम साबित किया। शुरुआत मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां पर सेना के जवानों को ले जा रही ट्रेन में विस्फोट की कोशिश की गई थी। ये घटना 18 सितंबर की। रेलवे सूत्रों ने बताया कि बुरहानपुर के नेपानगर में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर बिछाए गए थे। हालांकि ट्रेन के पहुंचने से पहले ही कुछ डेटोनेटर फूट गए। इससे रेलवे अधिकारी अलर्ट हो गए थे और स्टेशन पर ट्रेन रुकवा दी गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कानपुर की अगर बात करें तो आपको वो तस्वीर भी याद होगी। कानपुर में प्रेमपुर स्टेशन के पास ट्रैक पर एक छोटा सा सिलेंडर रखा मिला था। JTTN गुड्स ट्रेन के लोको पायलट ने सिलेंडर देखते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को 10 फीट पहले ही रोक लिया। पंजाब का बठिंडा में रेलवे ट्रैक पर सरियों का बंडल रख दिया गया। इसे देखकर मालगाड़ी के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया जिससे कि हादसा होते होते टल गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में शनिवार रात मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेल लाइन के बीच इंजन के कुल 6 चक्के पटरी से उतर गए। घटना शनिवार की रात 8:31 पर हुई। शुरुआती जांच में लोको पायलट और पॉइंटमैन की लापरवाही सामने आई थी। बता दें कि राजस्थान में फिलहाल सवाई माधेपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक सुरक्षा कवच में लैस हो गया है। रेलवे ने यहां ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 को स्थापित किया है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 सितंबर 2024 को राजस्थान में कवच 4.0 की टेस्टिंग की। उन्होंने सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको में सफर भी किया। कवच सिस्टम 2 ट्रेनों को आमने सामने आने पर ऑटोमेटिकली रोकने का काम करता है। इसके साथ ट्रेन की स्पीड को भी कंट्रोल में रखता है। अब कवच कैसे काम करता है, क्या है, इसे भी जानिए। रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि TCAS कहते हैं। ये भारत में 2012 में बनकर तैयार हुआ था। इंजन और पटरियों में लगे इस डिवाइस की मदद से ट्रेन की ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। इस तकनीक में किसी खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाती है। तकनीक का मकसद ये है कि ट्रेनों की स्पीड चाहे कितनी भी हो लेकिन कवच के चलते ट्रेनें टकराएंगी नहीं। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 सर्टिफाइड रेल कवच को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RDSO ने बनाया है।
ये भी आपको जानकारी दे दें कि भारत में कवच यानी कि TCAS का पहला परीक्षण मनमोहन सिंह सरकार के दौरान अक्टूबर 2012 में हो ही चुका है। हैदराबाद में हुई इस टेस्टिंग को पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी कहा गया था। किसी हादसे से पहले ट्रेन को रोकने के लिए इस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग भी हुई थी। इस टेस्टिंग के दौरान TCAS टेक्नोलॉजी से लैस दो ट्रेनों को एक ट्रैक पर एक ही दिशा में चलाने की अनुमति दी गई थी। इस दौरान दोनों ट्रेनें एक दूसरे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आकर अपने आप रुक गई थी। इसके बाद से ही इस टेक्नोलॉजी को सफल माना गया। 2012 में हुई सफल टेस्टिंग के बावजूद ना तो यूपीए सरकार और ना ही एनडीए सरकार ने इस टेक्नोलॉजी पर काम आगे बढ़ाया। लेकिन 10 साल बाद मार्च 2022 में एक बार फिर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने दो अलग अलग ट्रेनों पर सवार होकर इस टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया। इस दौरान ये देखा गया कि दो ट्रेन आमने सामने से टकराती हैं या नहीं। ट्रायल में ये देखा गया कि कवच की वजह से दो ट्रेन 380 मीटर दूर पूरी तरह से रुक गई अपने आप ऑटोमेटिकली। इस कवच को लगाने में भारी भरकम खर्च है। रेलवे के मुताबिक यूरोप में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी की तुलना में कवच स्वदेशी होने के साथ ही बेहद सस्ता भी है। इसे लगाने का खर्च 30 लाख रुपए प्रति किलोमीटर से 50 लाख प्रति किलोमीटर तक आता है। ये बाकी देशों में इस टेक्नोलॉजी पर खर्च होने वाले पैसे का महज 1/4 है। मतलब ये है कि इसी टेक्नोलॉजी को लगाने में अमेरिका या दूसरे यूरोपीय देशों में खर्च प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा आता है। हालांकि भारत में धीरे धीरे इस कवच को हर जगह लगाया जाएगा ताकि इस रेल हादसों को कम किया जा सके। फिलहाल तमिलनाडु में कितने घायल हैं और कितने लोग जो है गंभीर स्थिति में हैं, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन रेल हादसों को रोकने के लिए लगातार रेल मंत्रालय की तरफ से तमाम प्रयास किए जाने हैं।